सर एक और एग्जांपल मैं नहीं करा रहा, अपने आप करो कुछ तो, अपने आप भी करो। थोड़े से हिंट दे देता हूँ। 20,000 6% डिबेंचर्स 100 ईच, डिस्काउंट ऑफ 10%, पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन। अब ध्यान से देखना बेटा, पेबल लिखा है ना, पेबल का मतलब क्या है, इतने पैसे दे रहे हैं, यस और नो? पेबल का मतलब क्या है, इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। पेबल एप्लीकेशन, तो पेबल अमाउंट जो होता है वो हमेशा आफ्टर डिस्काउंट होता है, एप्लीकेशन पे तो कोई डिस्काउंट है नहीं। मैं कह रहा हूँ उन्होंने बोला अलॉटमेंट पे पेबल है 40 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट। मैं कह रहा हूँ अगर ये नहीं भी बोलते और ये लिखा होता अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट इज 40 रुपीज, पेबल मतलब इतने पैसे देने हैं और कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि आफ्टर डिस्काउंट है या बिफोर डिस्काउंट है, तो वो आफ्टर डिस्काउंट ही होगा, ठीक है ना, वो माना जाएगा आफ्टर डिस्काउंट, कितने तो पैसे देने के लिए बोल रहा है वो। क्लियर? ध्यान रखेंगे तो ये 40 आफ्टर डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना है 10 रुपये, तो इसको ऐसे लिखेंगे 50 माइनस 10। क्यों? क्योंकि बैलेंस आपने कॉल का निकालना है, तो ये 50 लिखेंगे तभी यहाँ पता चलेगा 20 है। गलती से 40 लिख दोगे तो आप नीचे 30 ले लोगे, गलती हो जाती है डिस्काउंट में ऐसी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, बस वो लैक ऑफ प्रैक्टिस ही है रीजन गलती होने का। तो बट मैं कह रहा हूँ यही तो ध्यान देना है कि माइनस करके, जैसे प्रीमियम हमेशा मैं आपको प्लस करके दिखाता था ना, तो डिस्काउंट हमेशा माइनस करके लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि ये क्या है, फेस वैल्यू, ये क्या है, फेस वैल्यू। ठीक है जी, तो कर ही लोगे एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉट। अब डिस्काउंट की एंट्री तो मैंने आपको बताई थी कैसे करते हैं, उसी का तो ध्यान रखना है। 40 रुपये अलॉटमेंट में, 10 रुपये डिस्काउंट में, डिबेंचर्स में पूरे 50 रुपये आएंगे फेस वैल्यू। हो जाएगा पक्का? समझदार बच्चे हो, कर ही लोगे। तो क्या कर दिया हमने, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट।